अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हूं जो कि है दोस्तों टीटी आर्टिजन के एक और लेंस की। तो ये वीडियो स्पॉन्सर किया दोस्तों टीटी आर्टिजन ने, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों मैनुअल लेंसेज बनाती है मुख्तलिफ कैमराज के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं लेंस को। तो आज हमने उन्हीं का ही एक लेंस की करनी है जी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग, कि उन्होंने कौन सा लेंस भेजा है, किस तरह का दोस्तों ये लेंस है, इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है और इसका क्या रिजल्ट है और क्या क्या इसके फीचर है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जो है पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। और विजिट कर लेना है टीटी आर्टिजन को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आप टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा लेंस जो कि हमें भेजा जी टीटी आर्टिजन कंपनी ने। तो आप देख सकते हैं पैकिंग बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि ये लेंस भी जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो है पैकिंग उन्होंने सिर्फ सिंपल सी रखी है इस बार। पिछली बार जो था लेंस हमने अनबॉक्स किया था जो कि 12 mm था दोस्तों फिश आई, तो उसकी पैकिंग अच्छी थी, लेकिन इसकी पैकिंग मुझे नॉर्मल लग रही है। तो अब इसके अंदर अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से कौन सा लेंस निकलता है। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करता हूँ, और अनबॉक्स करते ही आप इसके अंदर देख सकते हैं ये आ चुका है जी एक ब्रांड न्यू लेंस टीटी आर्टिजन की तरफ से। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं, और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लेंस है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं टीटी आर्टिजन की, अपनी ब्रांडिंग हुई हुई है, और बड़ा खूबसूरत सा एल्युमिनियम का दोस्तों टोटल जो है लेंस है, और बड़ा छोटा सा लेंस है। लोग समझेंगे ये छोटा सा लेंस है, तो इसका जो है काम क्या है, तो भाई मैं आपको बता दूँ ये 35 mm का लेंस है, और ये जो है 1.4 में है, यानी कि ये एक आर्ट लेंस है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म के पोर्ट्रेट जो है खींच सकते हैं फुल ब्लर। तो इसको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा, इससे कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक करेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना शानदार लेंस है, और ये जो आता है दोस्तों f1.4 के अंदर आता है 35 mm, और इसका जो दोस्तों फ्रेम है वो है क्रॉप, ये फुल फ्रेम में नहीं है, ये क्रॉप में है। तो सोनी की जो कैमरा है दोस्तों उसके अंदर क्रॉप और फुल फ्रेम दोनों के लेंस जो है काम करते हैं। तो आज हम इसी लेंस को दोस्तों हम यूज़ करेंगे अपने जो है इस सोनी के कैमरे के ऊपर, और चेक करेंगे इस लेंस की शार्पनेस कैसी है, रिज़ल्ट कैसा है, और कितना ब्लर वगैरह आता है, इससे हम पिक्चर वगैरह भी क्लिक करेंगे। तो वैसे तो देखा जाए दोस्तों लेंस काफ़ी छोटा सा है, लेकिन वज़न में काफ़ी भारी है, मुझे तो है बड़ा खूबसूरत लगा दोस्तों ये लेंस। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चाहे बाय कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये है जी इसका मुकम्मल ग्लास, जो मुकम्मल लेंस है आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा दोस्तों जो है ये है क्या नाम है लेंस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लेंस लगा है। तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर जाके कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, और कुछ जो है दोस्तों क्लिक करते हैं इससे पोर्ट्रेट वगैरह भी। तो अब ज़्यादा टाइम को ज़ाया नहीं करते और चलते हैं जी अब हम बाहर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं जी अपने स्टूडियो में। तो आउटडोर तो आपने फोटोग्राफी से देख ली गई, कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना शार्प लेंस है दोस्तों ये। तो ये दो चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है इस लेंस की। तो अब जो है हम इंडोर के अंदर इसकी शार्पनेस टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको मैं कर रहा हूँ जी फोकस। तो फोकस करते ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दोस्तों इसका ब्लर है बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड के ब्लर के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों, अगर आप जो है इस लेंस को यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस वगैरह में। मैं इसको कहीं भी मूव करूँगा, आप देख सकते हैं इसका जो है फोकस वो जो है लॉक हो चुका है, और आप इसको कहीं भी मूव करें तो आपका फोकस यहीं पर ही रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसके फोकस रिंग से जो है इसका फोकस चेंज भी कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत शार्प लेंस लगा है, और बहुत ही हाई क्वालिटी लेंस है दोस्तों। अगर आप इस लेंस को बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोनी के लिए स्पेशल माउंट है, और उसके अलावा और कंपनी के आपके पास
कैमराज है तो उसके माउंट में भी आपको ये लेंस मिल जाएगा। तो 8 लेंस है, 1.4 है, तो बहुत ही कमाल का दोस्तों लेंस है, मुझे जो लगा है कम प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर तो आपकी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक जरूर कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आपसे इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।